हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नॉलेज हब विद आसिफ यूट्यूब चैनल से। तो आज हम बात करेंगे विंडोज़ के मुतल्लिक, राइट? इस विंडोज़ की हम बात कर रहे हैं, राइट? तो इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं। इट्स द जीयू कंपोनेंट यूज्ड टू होल्ड कैनवस एट रन टाइम, राइट? ये एक्चुअली क्या करता है, ये आपके कैनवस को होल्ड करता है जब रन टाइम पे आपके इस कैनवस को होल्ड करता है, राइट? अब ये देखें ना, विंडोज़ पे आपका जो आपका कैनवस है, फिजिकल क्या है, ये विंडोज़ पर है, राइट? ये विंडोज़ ये जो आपके कैनवस को होल्ड करती है रन टाइम पर, राइट? अच्छा, टाइप्स ऑफ विंडोज़। बाय डिफ़ॉल्ट एवरी मॉड्यूल होल्ड ए विंडो, राइट? इट इज़ प्रोवाइडेड बाय फॉर्म ऑटोमेटिकली, राइट? टाइप ऑफ विंडोज़, देर आर टू टाइप्स ऑफ विंडोज़। विंडोज़ इट इज़ विंडो अवेलेबल इन एप्लीकेशंस और फॉर्म एम डी ए विंडो। विंडोज़ अवेलेबल एट रन टाइम टू होल्ड द एप्लीकेशन विंडोज़, राइट? तो एप्लीकेशन को जो होल्ड करती है वो आपकी फॉर्म एम डी ए विंडोज़ होती है। और रन टाइम पर क्या होता है, रन टाइम पर इसकी हायरार्की जो होगी, सबसे पहले आपकी फॉर्म विंडो होगी, उसके बाद आपकी विंडोज़ होगी। और विंडोज़ क्या करती है, ये आपके एप्लीकेशन में अवेलेबल होती है। उसके बाद विंडोज़ के बाद आपका कैनवस आता है, ठीक है? कैनवस बेस करते हैं आपकी विंडोज़ पर, और कैनवस के ऊपर आप आइटम अपने जो ड्रा करते हैं। तो ये रन टाइम पे इसकी हायरार्की कुछ ऐसी होती है। आपकी ये फॉर्म एम डी आई विंडोज़ है जो पूरी आपकी विंडोज़ को होल्ड कर रही है, और ये आपकी विंडोज़ है, राइट? ये विंडोज़ है और ये पूरी विंडोज़ को आपकी फॉर्म एम डी आई विंडोज़ होल्ड कर रही है रन टाइम पर। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आपने अगर विंडोज़ इस विंडोज़ को विंडोज़ वन को मैक्सिमाइज करना है, तो उसके लिए कमांड इज सेट विंडोज़, सेट विंडो प्रॉपर्टी, विंडो नेम, विंडो स्टेट मैक्सिमाइज। अच्छा, आप विंडोज़ का टाइटल भी सेट कर सकते हैं, राइट? विंडो टाइटल एम्प्लॉय, सेट विंडो प्रॉपर्टी विंडोज़ वन टाइटल एम्प्लॉय, राइट? और एम डी आई विंडोज़ आप देख सकते हैं, फॉर्म एम डी आई विंडोज़ विंडोज स्टेट मैक्सिमाइज, और एफ डी आई फॉर्म एम डी आई विंडोज़ टाइटल माई एप्लीकेशन, राइट? तो इसको हम ज़रा देखते हैं, विंडोज़ वन, और यहाँ पे आप इम्प्लीट करें वे न्यू फॉर्म इंस्टेंस पे। तो इसको हम देखते हैं, कंपाइल करें इसको, आप रन करें। अच्छा, विंडोज़ का टाइटल है एम्प्लाई और एम डी आई विंडो का फॉर्म, एम डी आई विंडो का माई एप्लीकेशंस। ये आपकी एम्प्लॉयज़ आ गई विंडोज़ वन, और
माई एप्लीकेशंस, राइट, ये आपकी मैक्सिमाइज हो गई है। राइट तो इसको हम दोबारा रन करके देखते हैं। देखें आपका एम्प्लॉइज आ गया, राइट। तो ये आज का लेक्चर था हमने। और अच्छा, कुछ विंडोज़ के टाइप भी हैं, इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। विंडोज़ टाइप प्रॉपर्टीज डिफाइन, डॉक्यूमेंट विंडोज़। अच्छा, ये विंडोज डॉक्यूमेंट विंडोज़ की बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट नेविगेटर विंडोज़ की जो टाइप हैं आपके पास, डॉक्यूमेंट एंड डायलॉग, इन दोनों को देखते हैं। अच्छा, डॉक्यूमेंट विंडो डिफॉल्ट होती है और डिपेंडेंट विंडो होती है। इट इज़ यूज़र डिफाइंड विंडो, विल बी अंडर द कंट्रोल ऑफ रन टाइम विंडोज, फॉर्म MDI विंडोज़ होती है। और डायलॉग विंडो क्या होती है, एक इंडिपेंडेंट विंडो होती है। यूज़र डिफाइंड विंडोज़ कैन बी प्लेस्ड आउटसाइड द रन टाइम विंडोज़, राइट। और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, मॉडल प्रॉपर्टी। अच्छा, जो प्रॉपर्टीज आप किसकी होती हैं, मॉडल प्रॉपर्टी, यस और नो आप करेंगे तो इससे क्या होता है, मॉडल प्रॉपर्टी फॉर द विंडोज़ कैन बी सेट टू यस और नो। बाय डिफॉल्ट मॉडल प्रॉपर्टी फॉर द विंडोज इज नो। यूज़र कैन वर्क विद मोर देन वन विंडोज एट अ रन टाइम, अलाउ टू ओपन वन और मोर विंडो एट वंस व्हेन मॉडल प्रॉपर्टी टू यस, राइट। अगर आप इस विंडोज़ पर आप चाह रहे हैं कि एक दो, आपके पास दो विंडोज़ हैं और यहाँ पे बटन जब क्लिक करें और वो आपकी एक दूसरी विंडोज़ आपकी पॉपअप की तरह खुल जाए, तो इसके लिए आपको इसकी मॉडल प्रॉपर्टी को यस करना पड़ेगा, राइट। एंड वी कैन नॉट वर्क विथ अदर विंडोज़ विदाउट रिस्पॉन्डिंग टू द करंट विंडो, सिंपल। जैसे आपको विंडोज़ इसकी आपकी ओपन होगी, इस विंडोज़ हम इस विंडोज़ पे काम कर सकते हैं, इसकी जो इसके नीचे है या इसके मतलब इसके बाद की जो विंडोज़ है उस पर हम काम नहीं कर सकते हैं, उस पर हम वी कैन नॉट वर्क विद अदर विंडोज़, राइट। जो भी आपके आपके डायलॉग विंडोज़ खुल चुकी है, राइट, तो हम डायलॉग विंडोज़ पर तो काम कर सकते हैं, मगर उसके जो नीचे दूसरी विंडोज़ है, जिस विंडो से ये डायलॉग खुला है, उस विंडोज़ पर हम काम नहीं कर सकते, हम उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी विंडोज़ की। तो ये हमारा आखिरी लेक्चर था ऑरेकल फॉर्म्स 10G से। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम फार्मेसी डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम लेकर चलेंगे फ्रॉम स्क्रैच। तो हम उसको देखेंगे, उसकी रिपोर्ट्स और उसके फॉर्म, और हम उसके टेबल का स्ट्रक्चर, डेटाबेस स्ट्रक्चर भी देखेंगे हम। पहले तो हम डेटाबेस स्ट्रक्चर पर बात करेंगे कि उसको कैसे बनाना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी सीरीज़ होगी, वो इंशाल्लाह हमारे फार्मेसी डिस्ट्रीब्यूशन सॉफ्टवेयर हम बनाएंगे ओरेकल फॉर्म 10G पर, राइट। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ मेरे लेक्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।